में उसके बाद डेंसिटी इनकी कैसी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन नंबर एल्केन में बढ़ता जाएगा उनकी डेंसिटी और उनकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। सॉलिबिलिटी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर नंबर। सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी जबकि डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज बाय 20 to 30 डिग्री फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप। जैसे अगर हम एक CH2 ग्रुप बढ़ाते जाएंगे तो 20 to 30 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसी तरह से जो ब्रांच चेन होंगे एल्केन उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चेन। जैसे कि एन ब्यूटेन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट -0.5 डिग्री और आइसो ब्यूटेन का -11.7 डिग्री। यानी ब्रांच चेन जो हाइड्रोकार्बन है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन या नॉर्मल जो है एल्कीन।